सो दिस वीडियो इज फॉर अलोन ड्रिंकर्स. कुछ महफिलों का ना शब्दों में बयानात नहीं होता, पर हम करने की कोशिश करते हैं. आज लॉकडाउन में जहाँ यार दोस्त एक दूसरे से खफा कहाँ कहाँ बैठे हैं, महफिल बनाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिस मूड में हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों से अभी बात होके हटी है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आप शेयर कर देना अपने खास दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर्सनल शेयर कर देना, मतलब सोशल मत करना, आई डोंट लाइक. ठीक है, तो दोस्त आज मैं अपने एक हिमाचल के दोस्त से बात कर रहा था. पंजाब के दोस्तों से बात होती है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरी अलग अलग स्टेट्स के दोस्तों से बात होती है. तो मैं सोच रहा था अभी पीते हुए खाते हुए कि ज़िंदगी कितनी अस्थाई है और हम कितनी स्थाई बनाने की से कोशिश करते हैं. परमानेंट कहते हैं स्थाई को, अस्थाई कहते हैं नॉन परमानेंट. पक्का घर बनाएंगे, है ना, और अच्छे कपड़े लेंगे, है ना, सब कुछ ठोस करने की कोशिश करती हैं, और एक एक मोड़ पर एक अस्थाई घटना घटती है. आपको लगता है वो अस्थाई घटना है, पर वो स्थाई घटना है, उसे कहते हैं मौत, और वो सब कुछ ले जाती है. हमारे बीच में से आज जो भी गए इस महामारी या फिर पेंडेमिक या फिर प्लैंडेमिक में जो भी हुआ, उन सबको दिलों से यार सलाम, क्योंकि जो लोगों के दिल में दर्द है, सबने अपने खोए हैं, और एक एक इंसान जो जा रहा है वो अपना ही था. हमें ये सीखना पड़ेगा. हम सोचते हैं पड़ोसी का गया, हम सोचते हैं दूसरे का गया, बट जात तो हमारी थी, है ना. जानवर भी आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के पीछे. इंसानों ने कास्ट बना ली तो वो कास्ट पे लड़ते हैं, पर इंसान इतना बेवकूफ़ हो चुका है. देखो, मुझे विस्की चढ़ी नहीं है, बट फिर मैं डेनिस विस्की पी रहा हूँ, और जो भी महफिल मेरी चल रही थी, मैं बस कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि अपने दोस्तों से आज बात ज़रूर करना है यार, बड़े दूर दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, और जिनसे भी आपकी लड़ाई है उनको दोबारा फ़ोन करना और कहना यार देखो ज़माने में क्या क्या हुआ. अगर आज भी हम साथ हैं तो उस जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी उसका बहुत बहुत शुक्रिया. अभी आज तक हमें पता ही नहीं ना हमें ज़िंदगी किसने बख्शी. हम अपने अंदाजे ज़रूर लगाते हैं बट हमें नहीं पता. तो सिर्फ उसके लिए थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा हमें थैंकफुल तो होना चाहिए मेरे ओपिनियन में. बाकी मैं किसी पे अपनी फ़िलोसफी नहीं थोपना चाहता. मैं चाहता हूँ हर इंसान फिलोसफर बने और अपनी फ़िलोसफी बनाए. हमें जो सही लगता है हम तो वही बोलते हैं. देखो, महफिलें बहुत लगती हैं, शराब बहुत लोग पीते हैं, और शराब पीने वालों को लोग अच्छे एंगल में नहीं मानते. भारत में, बाहर तो बहुत लोग शराब पीते हैं, बाहर तो सोसाइटी में शराब पीते हैं, बाहर तो घर पहुँचते ही शराब पीते हैं, बाहर तो सब कुछ होता है, बट इंडिया में कुछ अलग ही अपना रिवाज चल रहा है. मैं सोडा दूसरी बार डाल रहा था कि मुझे ध्यान नहीं रहा. तो ये मेरे को शराब नहीं चढ़ी, ये दोस्तों का असर हो गया मुझे. मैं अपनी महफिलों में अपना चेहरा नहीं दिखाता, बट दैट्स द वे आई एम. मुझे थोड़ा और जानना है तो आप एक चैनल है मेरा यंग मॉन्क, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना. तो मैं ये कह रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल की कहानी है ये, किसी शायर की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है यार. जो जन्म होता है और जो मृत्यु होती है, ये पल दो पल की बातें होती हैं. जब आप इस धरती पर कदम रखते हो, गोद में आते हो और एक अर्थी की गोद में चले जाते हो, पहली बात तो किसी चीज़ से डरने का नहीं, जो होना है वो तो होना ही है. और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ सेलिब्रेट लाइफ, इसलिए कहता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है. हम लिमिटेड दिन लेके आते हैं, उसमें भी अगर हम किसी को छोटा दिखाने में लगे रहे या किसी कंपटीशन में लगे रहे तो हम अपने आप को नहीं जान पाए. बहरहाल, अगर छोटा सा एग्जाम्पल, तो मेरा एक दोस्त था, वो लगा हुआ था, वो हमें कहता था कॉलेज के दिनों से कि मैं एमवे में काम करता हूँ और मैं किसी कंपनी की बेइज्जती नहीं कर रहा, आप खुद ही कर लेना उनकी बेइज्जती. वो कहता था कि भाई मैं ना अपनी शादी में दुबई में करूँगा और आप एक जो जो मेरी शादी में आएगा उसको BMW दूंगा. वो ये बातें मंच पे सुनता था, जो मंच पे लोग आते थे वो अटेंड करता था, तो उसको लगता था मैं भी ये कर लूँगा, बट उसको ये नहीं पता था ये सब प्रोग्रामिंग है, झूठ है. आप तो वर्कर बन के एमवे के लिए काम कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए. एक वेस्टीज भी आई थी, एक बहुत सारे आए थे,
आई डोंट केयर दे बैन जो अगर वो मेरी वीडियो पे आते हैं तो, बट मैं चाहता हूँ मेरा सब्सक्राइबर अगर कोई वहाँ तक पहुँचता है वो ना पहुँचे, इससे बढ़िया अपनी दम पे मेहनत कर लें, अपने दम पे अच्छा कुछ खड़ा कर लें, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। और शराब पीने वाले हमेशा फलसफा देते हैं, ये नहीं देते अच्छा या बुरा देते हैं, ये नहीं सोचते कि अच्छा या बुरा देते हैं। और मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुन रहा था, अभी रात को सुन के सोऊंगा, वो थी शराबी की सुक्तियाँ। यार उसने बड़ी अच्छी बात है, उसने बहुत 98 सुक्तियाँ लिखी हुई हैं और उसने मुझे भी इंस्पायर किया कि मैं भी ऐसी सुक्तियाँ लिखूँ। एक शायर है, मैं उसकी वीडियो भी लिंक पर दूंगा। कभी किसी को डिसक्रेडिट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और महफिलें लगती रहे, इन्जॉय करते रहे। मेरा चैनल बहुत ऐसी चैनल है, आपके साथ एन्जॉय मैं करता रहूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि चेहरा क्यों नहीं दिखाते, चेहरे में क्या रखा है? चेहरा तो मास्क का एक लोथड़ा है, शरीर क्या है? मान लो कोई बहुत खूबसूरत बंदा, चूतिया बात कर रहा हूँ, तो आपको उस बंदे पे प्यार नहीं आता। मान लो कोई आपकी नज़र में ना खूबसूरत बंदा बहुत अच्छी बात कर रहा हो, आप उसको सुनते हैं। तो हम सबको अपनी सहूलियत के हिसाब से सुनते हैं दोस्तों। हम बहुत लालची इंसान हैं, इंसान की कौमी लालची है, बट मैं उन सब धागों से आपको मुक्त करवाना चाहता हूँ। किसके ज़रिए? इसके ज़रिए। अजीब सी बातें हैं ना, इन अजीब सी बातों के लिए तो हम जुड़ते हैं। मांस भी है, मदिरा भी है, मांस भी है, मदिरा भी है, कलयुग भी है। ना जाने कैसे बाज आऊँगा मैं, कई हिंदू आके पूछते हैं कैसे रामराज पाऊँगा मैं। कई हरे हरे ढोल के आके पूछते हैं क्या मौलवी बन पाऊंगा मैं। कई ढोंगी आके पूछते हैं क्या योगी कहलाऊंगा मैं। मैं कुछ नहीं कहलाना चाहता, मैं बस इस मिले हुए अवसर को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। उसमें शराब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे किताबों ने कुछ नहीं सिखाया, ऐसा नहीं कह सकता मैं, बहुत कुछ सिखाया मुझे किताबों ने, यह सिखाया कि किताबें कितनी व्यर्थ हैं। बट मुझे शराब में उस समुंदर में डाला जिस समुंदर को से मुझे प्यार हो गया। लोग समुंदर में जाते हैं डूबने से डरते हैं, अब मुझे समुंदर की गहराई में जाना है। जस्ट लाइक लाइफ ऑफ पाई मैन, जस्ट एन्जॉय माई देसी महफिल। आई वॉन्ट मेक अ लॉन्ग वीडियो टूडे, बट कंटिन्यू करता रहूँगा अलग अलग अंदाज में। आज अलग अंदाज था, कैसा लगा? और मैं चाहता हूँ आप सब खुश रहें, और लॉकडाउन जाने दो, बस ब्रांड आते रहेंगे। देखो कोई भी शराब का रिव्यू नहीं कर सकता, सब अपने अपने अंदाज में बताते हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। बहुत बहुत फेमस हो रहे हैं लोग, बहुत फेमस हो गए हैं लोग। जब मैंने कॉलेज डेज में ये चालू किया था, अभी बहुत दिन नहीं हुए, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं तो अपने आप को यही मानता हूँ, और मैं शायद मरते वक्त तक एक स्टूडेंट ही रहूँगा, चाहे मेरी उम्र 80 हो या 100 हो, आई रियली डोंट केयर। तो परमात्मा या जो भी है वो कृपा करे सब पे यार, या आप जिस पे भी मानते हैं आप, वो बढ़िया रहे। तो बहकी बहकी बातें मैं करता हूँ, और उसमें थोड़ी खाने पीने की बातें होती हैं, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। और अगली बार जुड़ेंगे अगली बार किसी और अंदाज में, ठीक है? बैटरी सॉरी कम है, फ्लैश एकदम से बंद हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेनिस ही चल रही है भाई अभी, देखो 100 पाइपर स्कॉटलैंड के बाद हम डेनिस इंडिया पे आ गए हैं, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी।